हेलो गाइस, दिस इज सरप्राइज म्यूजिक। तो आज की डीकंस्ट्रक्शन है प्लेयर सॉन्ग की, जो बादशाह एंड करण औजला का न्यू सॉन्ग आया है। आई होप कि आपको पसंद आई। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस सॉन्ग का बीपीएम है 110, 110। सबसे पहले किक से शुरू करते हैं। बहुत ही मिनिमल सा म्यूजिक है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ज़्यादा ड्रम्स के साथ खेला है, परकशन के साथ। तो सबसे पहले किक से स्टार्ट करते हैं। ये फोर ऑन द फ्लोर बीट होती है, हर बीट पे इस पे किक आती है। तो ये थोड़ी बड़ी किक लेनी है, जैसे ये देखिए, यहाँ पर आप सुन सकते हैं इसमें सब भी है। क्योंकि इसमें जो हमने इटरेटली हमने सब यूज़ की हुई है बेस एज अ बेस, तो उसी हिसाब से हमने इस किक को बड़ा रखा है। जैसे वो ट्रैप किक नहीं रखी, ये थोड़ी बेसिक किक रखी है। एंड साइड चेन भी किया हुआ है जहाँ पर हमारी किक ख़त्म होती है। लाइक ये देखो, यहाँ पर हमारी सब यहाँ पर आती है। तो ये वॉल्यूम का ऑटोमेशन लगाकर बेस के साथ इसको साइड चेन किया हुआ है। उसके बाद हमारी स्नेयर आती है। ये वैसे मुंबा बीट है, बहुत ही फेमस बीट है ये। आजकल हनी सिंह के सभी सॉन्ग इसी बीट पर आ रहे हैं। उसके बाद दो टोन ऐड हुए हुए हैं, थोड़ा हाई ऑक्टेव में, उसके बाद उसको लो में गया हुआ है। ये नीचे जा रहा है, इसको तो सेमी टोन डाउन किया हुआ है। उसके बाद क्रैश आता है एंड हाई हेड सिंपल है, जो हमारा नॉर्मली चलता होता है। टेम्परिंग ली हुई है, को जैसे डिले का इफेक्ट दिया हुआ है। एंड उसी के साथ हमारे रिम शॉट आते हैं। ये हमारे शिकर्स हो गए। इसको ये सैंपल था, मैंने इसको चॉप करके इसको अपने हिसाब से बनाया है। एंड एक और शिकर आते हैं जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो ये हमारे लेफ्ट राइट पैन हो रहे हैं, जो हमारे परकशन है उसको सॉन्ग को वाइड कर रहे हैं, जैसे लेफ्ट और राइट में रखे हुए हैं। तो बीट हमारी एक साथ ऐसी साउंड कर रही है। जो हमारे टॉम्स आ रहे हैं, तो इनको मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं यहाँ पर रखा, जैसे थोड़ा पीछे लगा कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्नेयर आती है, वहीं पर इसका भी हिट है, और यहाँ पर वही सेम फ्रिक्वेंसी में ये हमारा स्टॉर्म आ रहा है। तो पहले इस तो ये आ जाएगा, उसके बाद फिर इसको, जैसे इसके बाद ये साउंड आ रही है, साथ में नहीं आ रही। ऐसे भी आप रख सकते हैं कि क्लैश ना हो फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि अगर हम इसको साइड चेंज करेंगे तो इसकी साउंड काफ़ी डक हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको जैसे जैसे पीछे लगा कर रखा है टोम्स को। उसके बाद हमारे बेस लाइन आती है। तो बहुत ही जैसे सभी सी साउंड है, ज़्यादा इसमें डिस्टोशन वगैरह नहीं है, क्योंकि हमारे जो किक है और टोम्स हमारे उसमें काफ़ी बेस है हमारी, तो इसलिए इस पे जो ज़्यादा डिस्टोशन वगैरह नहीं लगाई हुई, बस बेस में इसकी फील आने के लिए सब रखी हुई है। और गाने की जो मेन चीज़ है वो है इसके कोर्ड्स। तो ये मैंने दो डिफरेंट साउंड्स को कंबाइन करके बनाई है। जैसे देखो, ये जैसे हम गिटार पे प्ले करते हैं ना नोट्स, वैसे हमने लगाने हैं यहाँ पर, थोड़े इसको पीछे कर जैसे प्लकिंग करते हैं गिटार पे, तो एक साथ नहीं लगाने, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये मैंने एक ऑक्टेव नीचे लगाए हैं, क्योंकि अगर यहीं पर लगाता तो फ्रिक्वेंसी क्लैश हो सकती थी। तो थ्रू आउट द सॉन्ग यही चीज़ चलती रहती है। एंड जब हुक पार आता है तो यहाँ पर प्लक आता है। ठीक है, एंड हुक से पहले यहाँ पर इफेक्ट आता है। एग्जैक्टली तो ये नहीं है मेरे हिसाब से, बट उसके बाद चैंट आता है। एंड हुक के बाद यहाँ पर एक और रिम शॉट आते हैं, जब वर्स स्टार्ट होती है, चार बार कंटिन्यूसली यही चलता है।
तो ये सारी हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन होगी, तो एक बार सुनते हैं कि कैसे साउंड कर रहा है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।